रमेश कुमार ग्राम पंचायत मटोर से सरपंच है। जी, आज एसपी से मिले हो, वो डोंकी वाले मामले में क्या आश्वासन मिला है वहाँ से? डोंकी वाले मामले में वीडियो के माध्यम से मलकीत की मौत का पता चला था हमको 30 मार्च को, और 31 मार्च को हम एसपी साहब से मिले थे एजेंट के खिलाफ कार्रवाई के बारे में, और मलकीत की डेड बॉडी को अब वापिस पैतृक गाँव लाया जाए। तो अब तक कोई संतुष्टिजनक कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं हुई थी। हम सारा गाँव आज भारी तादाद में यहाँ पे पुलिस प्रशासन के एसपी से मिलने आए, और एसपी साहब ने अभी आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई हमारी चल रही है और अभी तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेंगे। और हमने आज एसपी साहब को सभी ग्रामवासियों ने बोल भी दिया है, कल तक का टाइम पुलिस प्रशासन को दिया है, अगर संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं होती है एजेंट के खिलाफ तो 4 गाँव रोड पे बैठने का कार्य करेंगे मलकीत को न्याय दिलाने के लिए। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा साहब भी मिले हैं, उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला? उसने भी यही आश्वासन दिया है, निष्पक्ष तौर से मतलब इस मामले में हम कार्रवाई करवाएंगे। ठीक है। दीप भाई, एसपी से मिले हो, क्या लगता है ठोस आश्वासन मिला है? देखते हैं भाई साहब, एसपी साहब ने वैसे आश्वासन दिया हमारे को, और हमने एसपी साहब को चेतावनी दी है, या तो हमारे को कल तक बंदे को गिरफ्तारी की जाए, नहीं तो 5 तारीख को हम हाईवे को जाम कर देंगे, और जहाँ के जितने भी आसपास के गांव हैं सब इस बात के लिए मतलब तैयार बैठे हैं। भाई दुख देखो, जिसका घर में बीते हैं उसने मेरा हुआ है, तो हम सारे इस बात के लिए बड़े अग्रेसिव हैं, और ज़्यादा कल तक हमारी इसको गिरफ्तारी की जाए, नहीं हमें परसों को हमें जाम कराएंगे। मौके पर जो मलकीत है उसकी सिचुएशन का भी आपको पता चला होगा, या फिर एजेंट से भी बात हुई होगी, क्या कहना है उनका? एजेंट तो भाई सब अपना फोन करके बंद करके फरार है। अच्छा। वैसे मलकीत की मृत्यु 7 तारीख को हो चुकी थी, लेकिन जो एजेंट था उन्होंने हमारे को गुमराह करके रखा, और सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों जैसे लोगों के थ्रू हमें 30 तारीख को शाम को इस बात का पता चला कि हमारा भाई है जो वो गोली से मार दिया गया। साहब की तरफ से क्या आश्वासन? एसपी साहब ने यह आश्वासन दिया कि हम उसको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा, जो एजेंट है उसको। हाँ जी, ठीक। जो पार्थिव शरीर है वो कब तक आ जाएगा, इस बारे में कुछ बात? वो इस बारे में हमने एक एप्लीकेशन दी है, और उसके बारे में कोई ठोस बात नहीं बोली, इस बारे में कुछ खास नहीं बोली। क्या मांग है, क्या एजेंट की गिरफ्तारी या इसके साथ साथ पूंजी का जो नाश हुआ है वो भी आप भरपाई चाहते हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो हमें जब मनस चला गया तो पूंजी कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमारा एक ही मकसद है, जिन्होंने ये गलत कार्रवाई की है एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और हमारे को जो भी उचित न्याय हमारे को दिया जाए। ठीक। कमलेश ढांडा से भी मिले हो, क्या लगता है उनकी तरफ से बात बन पाएगी, या कोई निश्चित फीडबैक नहीं आया उनकी तरफ? नहीं, मंत्री जी ने हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरे 36 बिरादरी को मतलब बातचीत की है, और ठोस आश्वासन दिया है कि हम विदेश मंत्रालय में भी बातचीत करके डेड बॉडी को वापस मंगाने का हम काम करेंगे। अगली प्रोसेस क्या रहेगी, मतलब एसपी से मिलने डीएसपी के पास भी आपको जाना है, किस वास्ते क्या लगता है बात बनी? यही जाना है, जिसके लिए एसपी साहब ने डीएसपी साहब को सामने बुलाया था, हमारे सबूत गांव ने सारा ने यही मांग रखी थी भाई, इसके जो इसको गिरफ्तार करो फटाफट, एक इसका जो लाइसेंस है जो पासपोर्ट है ये जब्त करो। बिल्कुल, एफआईआर पहले भी करवाई गई थी, अब तक कोई मतलब पुलिस की तरफ से कोई गिरफ्तारी नहीं की, कि ढील कहां बरती? हाँ, गिरफ्तारी नहीं, उसके बारे में कह रहे हैं जल्दी जल्दी गिरफ्तारी कराएंगे। अच्छा। एसपी साहब ने तड़के तक का टाइम दिया है, कल तक गिरफ्तार करा देंगे। ठीक है। हाँ जी, क्या डेडलाइन रखी गई है? अब हमने एसपी साहब ने जो मैडम के कहने से भी मैडम ने खूब हम इस बात के लिए गौर की है, और एसपी साहब ने हमें विश्वास दिया है कि मैं आज ही उसको गिरफ्तार करूंगा, लेकिन हमने हमारे पास गांव के पास सब्र नहीं बाकी नहीं रह रहा, हमने कहा आज और कल अगर नहीं करोगे तो हम 5 तारीख को 4-5 गांव इकट्ठे हो गए धरना देंगे, रोड जाम कर देंगे। ठीक है। और एसपी साहब ने कहा हम आपके इस जाम से पहले ही गिरफ्तार कर लेंगे, देखते हैं एसपी साहब क्या कार्रवाई करते हैं। संतुष्ट हो सर जो? लेकिन फिलहाल तो उन्होंने जो विश्वास दिया तो संतुष्टि एसपी साहब पे ही करनी पड़ती है, और किस पर जाएंगे, लेकिन देखते हैं कल क्या होता है। अच्छा। आज क्या हुआ कह रहे हैं आज हो जाएगा, आज नहीं तो कल तक का टाइम हमने दिया है, परसों ने हमारे पास कोई टाइम नहीं, हम अपनी कार्रवाई करेंगे 4-5 गाँव इकट्ठे होके। शुक्रिया।